ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल से, और एक भीषण हादसा हुआ है करनाल में मेरठ रोड पर। आप देख सकते हैं गाड़ी डिवाइडर पर है और खंबे को तोड़ती हुई गाड़ी आगे बढ़ती है। गाड़ी का नंबर आप देख सकते हैं HR05AM0648 रीट्स दिए गाड़ी है, और आप देख सकते हैं खंबा तक गाड़ी ने तोड़ दिया है। आप समझ सकते हैं कि गाड़ी की रफ्तार क्या होगी, गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है और जो आधा खंबा है वो गाड़ी के भीतर चला जाता है और बाकी खंबा आप देख सकते हैं जो अपनी जगह थी उससे साइड हो जाता है, यानी कि सीधे खंबे पर जाकर टक्कर लगी है। और ये हादसा जो हुआ है वो मेरठ रोड पर हुआ है। बताया जा रहा है कि रमन इस गाड़ी में था जो शुगर मिल में काम किया करता था, लेकिन इस हादसे में उसकी मौत हो जाती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और फिलहाल तमाम जो जानकारी है वो जुटाने का प्रयास करेंगे। कुछ पता चला कि कब हुआ था हादसा, कैसे हुआ था? ये तो हम बता दीजिए। रात को है था जी, रात को हुआ, सुबह रात को है था, तो 11 बजे के आसपास। अरे आगे ले लेना यार, जाम लगा लेगा। ले आगे तो फिर यहाँ से शादी में से आ रहा था, कोई उधर से कोई गाड़ी आ रही होगी पीछे से कोई तेज, ये भी इस पर भी पीछे लेफ्ट साइड में था, यू ओवर कंट्रोल हो गया तो ब्रेक की जगह स्पीड वगैरह दबी होगी, इसमें डिवाइडर में भिड़ गया आगे ऑन द स्पॉट। मिल का कर्मचारी है रमन, पता सबको पता, पोस्टमार्टम के लिए चले गए। तो आप देख सकते हैं ये हादसा हुआ है करनाल में मेरठ रोड पर, और जो तस्वीर है वो काफी भयानक है। और आप देख सकते हैं खंबा नीचे ना गिर जाए, इसलिए तमाम लोगों से अपील है कि साइड हो जाए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन हादसा काफी ज्यादा भयंकर है, भीषण है, और सेक्टर 5 का जो रमन रहने वाला है उसकी मौके पर ही इस हादसे में मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं कि आधा खंबा जो है वो गाड़ी के भीतर गया हुआ है, और शादी का कोई कार्ड है वो भी इस गाड़ी में रखा हुआ है। जानकारी परिवार वालों तक पहुंच गई है। रात के समय ये हादसा होता है और इस हादसे में रमन की मौत हो जाती है। काफी भयंकर ये हादसा हुआ है, पहले भी इस सड़क पर काफी हादसे हुए हैं, लेकिन उसके बाद ये सड़क काफी चौड़ी हो गई है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से हम देखते हैं कि गाड़ी काफी तेज रफ्तार से चलती है या तमाम और कारण होते हैं जिसमें हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, उसमें इस तरीके के हादसे देखने को मिलते हैं। गाड़ी है, खंबा है, गाड़ी खंबे पर जा लगती है, खंबा टूट जाता है, आधा खंबा गाड़ी के भीतर चला जाता है और जो बाकी खंबा है वो अपनी जगह से दूसरी जगह तक पहुंच गया है। और ये हादसा जो हुआ है वो करनाल में मेरठ रोड पर हुआ है। रमन की इस हादसे में मौत हो गई है, और भी आस पड़ोस के लोग हैं। कब हादसा हुआ अंकल जी, क्या जानकारी? बेटा हमें अभी पता लगा, रात का तो पता नहीं। 11 बजे हुआ था हादसा, 11 बजे लगभग, 11 बजे लगभग हुआ है। पतली शादी में से आ रहे थे कि कहाँ से आ रहे थे, कॉलोनी में शादी थी ना सुगरमी कॉलोनी में, ये पतली वहाँ से आ रहे थे कि कहाँ से आ रहे थे। क्या हुआ था, कैसे हुआ, कुछ पता ना? ये तो नहीं पता हमारे को। कितने लोग थे गाड़ी में? अकेला ही था, रमन ही था अकेला। कहाँ काम करता था? शुगर मिल, इसमें शुगर मिल में। तो मौके पे ही मौत हो गई थी? मौके पे ही बता रहे हैं हो गई थी जी, शादी में भी दिखाई दिया था, पता नहीं लेट भी लेट गया होगा शादी शुदी में। आप जानते थे रमन को? हाँ, हम भी शुगर मिल में हैं, जानते हैं रमन को, सेक्टर 5 का तो है। रात हुआ तो क्या गाड़ी स्पीड वगैरह में? ये तो नहीं पता हुआ जा सका जी, यहाँ मौके पर हम देखे नहीं, कैसे बताएंगे। क्या काम करता था उसमें? था वकील, था मिल में वकील था। वकील? हाँ वकील था, वकील था ना प्रदीप, लो वकील था ना, एलए था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो जाता है, और इस हादसे में जो रमन नाम के युवक की मौत हो जाती है। क्या उम्र रही होगी रमन की? उम्र वही 30-35 के बीच में होगा। 30-35, शादीशुदा है? शादीशुदा है, एक लड़का है उसके। एक भीषण हादसा जिसने परिवार को उजाड़ दिया, खत्म कर दिया। दरअसल होता क्या है, नेशनल हाईवे पर भी हम देखते हैं कई बार हादसे हो जाते हैं, साथ ही साथ हम देखते हैं स्टेट हाईवे पर भी हादसे हो जाते हैं, और ये
जो मेरठ रोड है यहाँ पर पहले भी काफी हादसे हुए हैं, लेकिन ये हादसा काफी भयंकर हुआ है, काफी भीषण हादसा हुआ है। मेरठ रोड पर जब गाड़ी जा रही थी सेक्टर 5 की तरफ, गाड़ी टकरा जाती है, खंबे से खंबा अपनी जगह से दूसरी जगह पर जा गिरता है, आधा खंबा जो है वो गाड़ी के भीतर चला जाता है, गाड़ी पलट जाती है। डिवाइडर यहाँ पर बना हुआ था और यहाँ पर जो हादसा होता है वो अब क्रेन को बुला लिया गया है, क्रेन की मदद से गाड़ी को साइड करने का प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। डायल 112 की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंच गई है, ट्रैफिक की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंच गई है। एक बड़ा हादसा करनाल में हुआ है और इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, रमन युवक का नाम बताया जा रहा है, सेक्टर 5 का रहने वाला है, शुगर मिल में वो काम करता है। आप हादसे की तस्वीर देख सकते हैं, काफी भीषण हादसा हुआ है, गाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज रही होगी कि जो खंबा है वो भी टूट जाता है और खंबा आधा सड़क के इधर आ जाता है और आधा जो है सड़क के भीतर यानी कि जो गाड़ी है उसके भीतर जाता है, क्योंकि जिस स्थान पर खंबा लगा हुआ था उसको तोड़ता हुआ जो खंबा है वो गाड़ी के भीतर चला जाता है और मौके पर ही जो है मौत हो जाती है रमन की। शुगर मिल में काम करता था, शादीशुदा था रमन, एक लड़का बताया जा रहा है रमन का और 30 से 32 साल उसकी रमन की उम्र रही होगी और फिलहाल जो शव को है वो पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो एक बड़ा हादसा हो जाता है करनाल के मेरठ रोड पर, शुगर मिल के नजदीक जो है पूरा हादसा होता है। एक गाड़ी जो है बताया जा रहा है कि काफी रफ्तार में थी, इसके बाद जो है अचानक से इसका बैलेंस बिगड़ जाता है रफ्तार तेज होने के कारण, उसके बाद जो है डिवाइडर पर चढ़ जाती है और पूरा खंबा जो है वो देखते हैं कि किस तरीके से टूट जाता है और खंबा भी जो है यहाँ पर आधा लटका हुआ नजर आ रहा है और आधा खंबा जो है गाड़ी के अंदर भी घुस जाता है। बताया जा रहा है कि रमन नाम का व्यक्ति जो है इस गाड़ी को चला रहा था, उसके साथ ये हादसा हो जाता है और उसकी जो है मौके पर ही मौत हो जाती है, ऐसा फिलहाल आसपास के तमाम लोगों के द्वारा जो है बताया जा रहा है। और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर जो है ट्रैफिक पुलिस जो है वो यहाँ पर मौके पर पहुंच चुकी है और हाइड्रा बुलाई गई है ताकि खंबे को जो है साइड किया जा सके, गाड़ी को जो है साइड में लगाया जा सके, क्योंकि खंबा जो है आधा लटका हुआ नजर आ रहा है और कोई अन्य हादसा ना हो सके इसके लिए जो है फिलहाल अब क्रेन की मदद से जो है खंबे को साइड में किया जाएगा। आसपास के तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी तरफ से बताया गया कि यह हादसा जो है पूरा कल देर रात हुआ है और इसकी जानकारी जो है ज्यादा नहीं मिल पाई है, लेकिन इतना जरूर बताया जाए कि रमन नाम का व्यक्ति जो है शुगर मिल में नौकरी करता था, उसके साथ जो है पूरा हादसा होता है और वो गाड़ी चला रहा था। फिलहाल अब जो गाड़ी को जो है सीधा किया जाएगा करनाल में मेरठ रोड पर पूरा हादसा होता है। मारुति की रीट्स गाड़ी है और नंबर देखते हैं कि HR05AM0648 ये गाड़ी का नंबर है और रमन व्यक्ति नाम का जो युवक था वो इस गाड़ी में सवार था और कैसे हादसा हुआ फिलहाल कुछ नहीं कहा सकता, लेकिन बताया यह जा रहा है कि रफ्तार काफ़ी तेज रही होगी, उसके बाद जो खंभे में जा टकराती है खंभा भी जो है गिर जाता है और उसके बाद जो है बताया जा रहा है कि उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल बताया जा रहा है कि एक ही व्यक्ति जो है गाड़ी में सवार था, शायद हो सकता है किसी शादी से वापसी आ रहा हो, क्योंकि शुगर मिल में जो है कार्यक्रम भी था, शायद शादी का था, वहाँ से जो है वापसी आ रहा था और ये रास्ते में जो है अचानक से हादसा हो जाता है। करनाल के सेक्टर 5 का जो है रमन बताया जा रहा है और शादीशुदा था, 30 से 35 साल उसकी उम्र भी थी और देख सकते कि यहाँ पर जो है अचानक से हादसा हो जाता है, काफ़ी रफ्तार जो तेज रही होगी। हमारी आप सभी से अपील है कि ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, चाहे स्टेट हाईवे हो चाहे नेशनल हाईवे हो, रफ्तार का जरूर ध्यान देना चाहिए और ऐसे हादसे जो है हम तभी बच सकते हैं। आजकल काफ़ी धुंध भी जो है सुबह रहने लगी और ऐसे में जो है अन्य हादसे होने का जो है खतरा जुड़ रहता है। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मुकुश तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।